हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल विभिन्न टू जॉनर्स सो आज हम पढ़ेंगे स्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन में अगले पार्ट को लास्ट वीडियो में हमने वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क सीखे थे हमने कॉलोनियल ओरिएंटलिस्ट और नेशनलिस्ट स्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ लिया था सो so, अब हम पढ़ेंगे स्टोरियोग्राफी इन अ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा नाउ Along with writing the dynastic histories, for example, Jesse ki Maratha dynasty means writing about Maratha Kingdom, the cultural, cultural life of the people, social condition of the people, economic condition of the people, these histories were also being written. Scholars of the post independence era began to feel the need of writing histories of various communities. साइंसेस इकोनॉमिक सिस्टम्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स एक्सेट्रा मींस जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ऐसा सोचा कि उन्हें वेरियस कम्युनिटीज जो है उनके बारे में लिखना चाहिए कुछ साइंस डेवलप हुआ है उसके बारे में लिखना चाहिए इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में पॉलिटिकल जो वेरियस पॉलिटिकल आइडियोलॉजिज थे उसके बारे में एंड बहुत सारे जो कल्चरल एस्पेक्ट्स थे अलग अलग रिलीजन्स के उसके बारे में भी लिखना चाहिए स्टोरियोग्राफी ऑफ द एरा हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय थ्री आइडियोलॉजिकल स्कूल्स फर्स्ट मास हिस्ट्री मासर्स हिस्ट्री मीन्स कार्ल मार्क्स के व्यू को फॉलो करती है वो है मास हिस्ट्री कार्ल मार्क्स के बारे में हमने चैप्टर फर्स्ट ने पढ़ लिया था सो so, मार्क्स का जो व्यू था कि इन इक्वालिटी यू कॉज डिविजन ऑफ सोसाइटी इन टू क्लासेस और दिस क्लासेस स्ट्रगल सो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल अ क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनोमिकली एक्स द लिस्ट ऑफ क्लासेस मीन्स जिनके पास वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो भी कोई ओनर है प्रोडक्शन का वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉय करता है रेस्ट ऑफ क्लासेस को तो ये सब हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ लिया था नोटेबल स्कॉलर कार्ल मार्क्स में सेकेंड सब अल्टर हिस्ट्री मीन्स पुअर सेक्शन के बारे में लिखना फेमिनिस्ट हिस्ट्री मीन्स राइटिंग अबाउट वुमेन सो अब हम पढ़ेंगे मार्स हिस्ट्री मार्स हिस्ट्री द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन वेयर आर द सेंटर्स इन राइटिंग ऑफ द मार्सल्स स्टोरियज मीन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे एक लैंड है जहाँ पर हम फैक्ट्री भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर अगर फार्मर्स के पास चले जाए तो वहाँ पर वह हम एग्रीकल्चर करेंगे सो so, मेन ये है कि वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ऑन करता है तो वो मेन है सेकेंड है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि अगर मशीन्स है तो पीपल लोगों को जॉब नहीं मिलेंगे ज़्यादा करके मशीन से काम कर लेंगे एंड सेकेंड है कि पीपल्स सो so, अगर पीपल्स वहाँ पे वर्क करेंगे तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सकती है सो दैट इज अ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड थर्ड है इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स किस तरह से वो इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं जैसे कि वो बिजनेस कर सके सो so, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वेर आर देंटर्स एंड राइटिंग ऑफ मारा हिस्टोरियंस

स्टडी द ट्रांजेक्शन विद इन द कास्ट सिस्टम ट्रांजेक्शन जो चेंज आया हैोदर धर्मानंद कोसामी कॉमरेड श्रीपाद अमृत दांगे राम शरण शर्मा कॉमरेड शरद पाटिल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड नोटेबली

तो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप हमें जीमेल आई पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जीमेल आई के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है आप अपनी डाउट जीमेल आई पे हमें पूछ सकते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सब्सक्राइब स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो